మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జీవితం మొత్తం దేశానికి అంకితం చేశారన్నారు రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్. వాజ్పేయి గొప్ప నేత అన్న రాష్ట్రపతి దేశం తరపున తనకు నివాళులర్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. उन्होंने सार्वजनिक जीवन में जो मानदंड रखे हैं, मर्यादा का हो, समावेशी संस्कृति का हो और भाईचारे का हो, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का हो, मुझे लगता है कि ये सभी मानदंडों को ध्यान में रखकर सार्वजनिक जीवन में हर कार्यकर्ता के लिए अनुकरणीय है. अटल जी को मैं अपनी ओर से और पूरे राष्ट्र की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. अटल जी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व था. उनको मैं मानव नहीं बल्कि महामानव मानता हूँ. बरसों तक मुझे अटल जी का सानिध्य प्राप्त होता रहा और इस संबंध में एक मुझे प्रेरक प्रसंग याद आता है. जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उसी समय मैं राज्यसभा का सांसद था. संसद के गलियारों में प्रायः मेरा और उनका आमना सामना हो जाता था और मैंने देखा कि ऐसे अवसरों पर अटल जी दूर से ही नमस्कार किया करते थे. इसको देखकर मुझे कभी कभी आत्मग्लानि भी होती थी कि मैं कहाँ एक छोटा सा सांसद और कहाँ देश का प्रधानमंत्री. लेकिन इसके पीछे जो मुझे लगा कि उनमें अहंकार की भावना दूर दूर तक नहीं थी और मैं हमेशा सोचता था कि शायद सार्वजनिक जीवन का अहंकार मुक्त जीवन बहुत अच्छा होता है. ये मैंने उन्हीं से सीखा और अंततो गत्वा मैं अपने जीवन में भी इस विनम्रता को आत्मसात करने का प्रयास करता रहता हूँ.